ये हॉस्टल भी ना घर से कम नहीं है, जैसा पहले दिन था वैसा अब कोई गम नहीं है। यहाँ सब कुछ बड़ा ही अजीब और अतरंगी है, कोई समझदार कोई शांत तो कोई बहुत बड़ा नौटंकी है। बहुत प्यारा लगता है जब देर रात तक यारों की महफिल जमाई जाती है और रात को भूख लगने पर मिलकर मैगी बनाई जाती है। रोज़ कुछ ना कुछ नया बखेड़ा खड़ा हो जाता है, कभी कोई फेल तो कभी लड़ाई झगड़ा या फिर कभी किसी आशिक का दिल टूट जाता है। मगर यहाँ दोस्त किसी को भी हताश नहीं होने देते, कोई कितना भी हो परेशान मगर उसे और निराश नहीं होने देते। ब्रेकअप पे रोना हो या मन की बात कहना हो, एक नेक दिल और ढेर सारा प्यार लिए दोस्त हमेशा हाजिर मिलेंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए या कहीं जाना हो तो कहते हैं हम भी साथ चलेंगे। एग्जाम के टाइम पर ग्रुप स्टडी के नाम पर गप्पे मारते रहते हैं, बस अब पढ़ते हैं कहकर यूं ही टालते रहते हैं। अब घर का खाना थोड़ा कम याद आने लगा है, बाहर की चाट और मैस के खाने से काम ठीक ठाक सा चलने लगा है। यहाँ पर बर्थडे ना किसी जश्न से कम नहीं मनाते हैं, बीमार होने पर साले सब की सब माँ बन जाते हैं। यहाँ आके पता चला कि पराए लोगों में अपनापन कैसे मिलता है। सच में यार, ये दोस्ती ना बहुत खूबसूरत रिश्ता है।